हेलो दोस्तों, इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विस्तारा एयरलाइंस दिल्ली से पेरिस के लिए अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत कर रही है। जी हाँ दोस्तों, विस्तारा एयरलाइंस 7 नवंबर से अपनी ये फ्लाइटें शुरू करेगी, जो कि सप्ताह में 2 दिन यानी कि हर बुधवार और रविवार को ऑपरेट हुआ करेगी। विस्तारा एयरलाइंस की तरफ से यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, उसमें विस्तारा एयरलाइंस ने टिकट के प्राइस भी फिक्स कर दिए हैं, जिसके अनुसार यदि आप इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल करेंगे तो आपकी फ्लाइट का जो किराया होगा वो 40,000 रुपये से शुरू होगा, और इसके अलावा यदि आप प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रैवल करेंगे तो उसका किराया यहाँ पर 72,000 होगा, और बिजनेस क्लास का जो टिकट किराया होगा वो आपको 1,36,000 में पड़ेगा। और इसके साथ साथ बात करेगी ये फ्लाइट कब ऑपरेट होगी, तो दिल्ली एयरपोर्ट से दोपहर के 12 बजे से ये फ्लाइट अपनी उड़ान भरेगी और पेरिस में शाम के 7 बजे ये फ्लाइट लैंड हो जाएगी। और बात करें वापसी की फ्लाइट की, तो सेम विस्तारा एयरलाइंस रात के 10 बजे से पेरिस से अपनी फ्लाइट ऑपरेट करेगी, जो कि सुबह 10:30 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हो जाएगी। तो दोस्तों, ये उन सभी लोगों के लिए अच्छी खबर आ गई है जो लोग भारत से पेरिस ट्रैवल करके जाना चाहते थे, तो अब उन सभी लोगों के पास एयर इंडिया के अलावा विस्तारा एयरलाइंस का भी ऑप्शन आ गया है। तो यानी कि अब आप विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट से भी भारत से पेरिस में ट्रैवल करके जा सकेंगे।